स्वच्छता सर्वेक्षण की तैयारियों में जुटे इंदौर नगर निगम अब शहर को वायु प्रदूषण मुक्त बनाने की कवायद कर रहा है और इसके लिए खजराना चौराहे के बाद अब रीगल चौराहे पर वाटर टावर लगाया जाएगा। इसके जरिए रात में पानी का छिड़काव किया जा रहा, शहर का AQI लेवल कंट्रोल करने की भी कोशिश है और इसकी ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी संवाददाता निहारिका शर्मा। इंदौर में वायु प्रदूषण लगातार हमें बढ़ा हुआ देखने को मिल रहा है और इसका अनुमान हम लोग जो इंदौर का AQI लेवल है उससे लगा सकते हैं। इंदौर का AQI लेवल जो है वो पिछले 10 दिनों से 100 के पार देखा जा रहा है। वो AQI लेवल जो 100 के अंदर होना चाहिए, जिसका हेल्दी रिजल्ट जो है वो 50 AQI तक देखने को मिलता है, वो AQI लेवल 10 दिनों से 100 के ऊपर चल रहा है और उसके पहले 200 के ऊपर देखने को मिल रहा था। यही कारण है कि इंदौर में प्रदूषण का लेवल जो है वो बढ़ा हुआ है। इसके बढ़े रहने के दो मुख्य कारण है, एक खुले में कचरा जलाया जाना और दूसरा इंदौर में जो जगह जगह कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसके चलते मिट्टी के कण जो हवा में मिल रहे हैं वो मुख्य कारण माना जा रहा है। और यही कारण है कि इंदौर में मौसमी बीमारी के चलते लोगों को सर्दी खांसी और जुकाम भी हो रहा है, क्योंकि जो धूल मिट्टी मिली हुई हवा जो लोग ब्रीद कर रहे हैं उसके चलते उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये जो टावर आप देख रहे हैं ये वाटर टावर है, रीगल चौराहे के बीचों बीच ये 4 वाटर टावर लगाए गए हैं जो रात को पानी का छिड़काव करते हैं। वायु में पानी का छिड़काव करने से मिट्टी के कण जो है वो पानी में घुल जाते हैं और इसके चलते वो लोग वो डाइल्यूट होते हुए पूरे मिट्टी के कण जो है वो पानी से बिखर जाते हैं और उसके बाद जो हवा जो है वो स्वच्छ हो जाती है। यही कारण है कि इंदौर के रीगल चौराहे जो बीचों बीच है पूरे इंदौर के, वहां पर 4 ऐसे टावर लगाए गए हैं जो रात में आप पानी का छिड़काव करते हैं और जो वायु प्रदूषण हो रहा है उसे कम करने में पहल जो है वो नगर निगम की की गई है। अगर यहाँ पर सफल रिजल्ट पाए जाते हैं तो इसका जो इस्तेमाल है वो दूसरे चौराहों पर भी देखने को मिलेगा, दूसरे गार्डन पर भी इस तरह के वाटर टावर जो है वो लगाए जाएंगे। कैमरामैन संतोष जटवन के साथ निहारिका शर्मा, IBC 24 इंदौर।